कांगड़ा चंबा संसदीय प्रत्याशी किशन कपूर ने फतेहपुर में सरकारी कर्मियों के साथ बैठक की थी, जिस पर ब्लॉक कांग्रेस फतेहपुर व प्रदेश कांग्रेस कमेटी सचिव चेतन चंबियाल ने इसे आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए विधायक निर्वाचन अधिकारी फतेहपुर के माध्यम से चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भेजी थी, जिस पर जानकारी देते मंडलाध्यक्ष कैप्टन जीत शर्मा ने मीडिया को बताया कि सहायक निर्वाचन अधिकारी द्वारा उपरोक्त मामले की छानबीन के लिए नायब तहसीलदार को अधिकृत किया हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी मिलती है तो तुरंत मीडिया को बता दी जाएगी। खाद्य आपूर्ति मंत्री और लोकसभा के प्रत्याशी श्री किशन कपूर जी जहां पर फतेहपुर दौरे पर आए थे, उनके साथ हारे हुए प्रत्याशी परमार जी भी साथ थे, उनके साथ सरकारी अफसरान मीटिंग में और यहाँ पर इसी शिवा रिजॉर्ट में उन्होंने अपने पक्ष में वोट मांगे, जिसकी कि हमें जैसे ही बंद लगी हमने श्री माननीय SDM साहब से जाके शिकायत की, उन्होंने संज्ञान लिया और हमारे पास उन्होंने एक चिट्ठी भी भेजी है कि इसके ऊपर जो है वो कार्रवाई हो रही है। हम इसके लिए उन्होंने लगा दिया ऑब्जर्वर, हमारे नायब तहसीलदार साहब जो आए हैं नए उनको ऑब्जर्वर लगाया है कि वो इस चीज़ को चेक करेंगे, गहराई में तहकीकात करेंगे कि क्या सच्चाई थी, क्या हुआ है सच में, कर्मचारी और सरकारी अफसरान इस मीटिंग में शामिल थे। ये कार्रवाई चल रही है, मुझे उनकी तरफ से एक लेटर आ गया है कि हम इसकी कार्रवाई कर रहे हैं और एक जिला आयुक्त को अपने सहप्रभारी साहब अपने SDM साहब ने जो है DC साहब को भी वो चिट्ठी भेजी है, वो भी हमारे पास है, उनका जवाब आ गया है। अभी आगे देखो ये कहाँ तक जो है वो हमारे लिए जो है वो सच्चाई सामने आती है वो हम आपको। हिमाचल एक्सप्रेस के लिए फतेहपुर से सुरेंद्र मिन्हास की रिपोर्ट।